सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग इसी क्रम में हिंदी साहित्य से 11वें पाठ जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी का अध्ययन करेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ 11, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। लेखक धर्मवीर भारती जी, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा अंधा युग इनकी कालजयी रचनाएं हैं। 4 सितंबर 1947 को इनका देहांत हो गया। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपनी पहली पुस्तक किस तरीके से खरीदी इस बात को बताया है। आइए पाठ पढ़कर हम भी जानें कि उन्होंने आखिर किस तरीके से अपनी पहली पुस्तक खरीदी। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। घर में अन्य पुस्तकें भी थीं, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थीं उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। मैं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मुझे स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखवाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, 3रे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ो, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की। 3रे-4थे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। माँ ने आँखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिता
मुस्कुराते रहें, कुछ भूले नहीं। अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेज़ी की दो किताबें मिली। एक में दो छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते थे, और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, आदि। इन दोनों किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक है, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें लेकर पढ़ता रहता था। छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, तथा टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिका, विक्टर ह्यू की पेरिस का कुबड़ा, गोर्की की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वरीज का विचित्र वीर अर्थात डॉन क्विकजोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे, पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे, उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाहीं, उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है, एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, पास में ही परिचित किताब की दुकान थी, वहीं जाकर पुस्तकें देखने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपये। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला,
तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो। तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपये 6 आने माँ के हाथ पर रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। देखो, माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि कितनी सरलता से, स्वाभाविक ढंग से धर्मवीर भारती जी ने अपनी बात कही। अब आइए शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। आह्वान, पुकार, बुलावा, नियमित, नियमानुकूल, रोचक, मनोरंजक, तत्कालीन, उस समय का, अदम्य, जो दबाया न जा सके, रूढ़ी, प्रथा, दर्जा, श्रेणी, रहस्य, राज, दिवंगत, जो मर चुका हो, कसक, टीस, खटक, सहसा, एकाएक, आर्थिक, अर्थ से संबंधित, रेखाचित्र, संक्षिप्त जीवन वृत्त, सुसज्जित, अच्छी तरह से सजा हुआ, पाखंड, आडंबर, ढकोसला, प्रतिमा, मूर्ति, खंडन, गलत ठहराना, जी तोड़ परिश्रम, खूब मेहनत, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, अनिच्छा, इच्छा का अभाव, देहावसान, देहांत, मृत्यु, विक्रेता, बेचने वाला। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और ये जाना कि लेखक धर्मवीर भारती जी ने किस तरीके से अपनी पहली पुस्तक खरीदी। अब आप लोगों को इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है। आपका गृह कार्य है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से प्रश्न संख्या क, ख और ग आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।